और हमारी चौंसी तैयार एकदम फर्स्ट क्लास सूप की तरह पियेंगे इसको। ये बनती है काली दाल की और इसकी रेसिपी भी मैं डालूंगा जल्दी। रोटी के साथ राइस के साथ भी खा सकते हैं इसको, खासकर ऐसे मौसम में तो वाह। तो ये बन रहा हमारी सुंदर सी तौसी और बर्फ गिर के बाहर लपालप। मुझे पता नहीं था कि नवंबर के महीने में बर्फ गिरेगी। रात को जैकेट बाहर भूल गया, रात को पूरी बर्फ जम गई। खैर अंदर से गर्म है और सभी बोल रहे हैं कि दूसरी जैकेट पहन लो, लेकिन ये मेरी फेवरेट है। और ऑब्वियसली लोग भी बोल रहे होंगे कि यार एक ही जैकेट है इसके पास, क्या है मेरे पास, लेकिन मेरी फेवरेट है, मैं इसी को पहनूंगा। और हीटिंग ऑन कर दी मैंने सीट की। गाड़ी इतनी हाई फाई नहीं लेकिन सब कंफर्टेबल है गाड़ी। लेट तो नहीं होगी ड्यूटी के लिए? हो गई। गाड़ी तेज भगा नहीं सकते बेटा? यहाँ पे ना आइस में गाड़ी चलाना बड़ा रिस्क है। ब्रेक भी नहीं लगती अच्छी तरह, मजबूरन निकलना पड़ता है। और राउंड अबाउट में फर्स्ट वैरायटी होती है जो राइट से आता है, बाइक का इंडिकेटर नहीं दिख रहा है। बड़ा रिस्क होता है गाड़ी चलाना भी। और ये ब्लॉग इसलिए बन रहा है कि आज मजा आ गया, बर्फ गिर गई और मैं इसको कैमरा मैन फ्री मिल गया आज। कैमरा मैन का दिल करा तो बाहर घूमने का। कैमरा मैन साहब आप एंजॉय कर रहे हो? कर रहे हो? हाँ जी बिल्कुल कर रही हूँ। मैं एंजॉय कम कर रही हूँ लेकिन तुम्हें फ्री का कैमरामैन मिल गया इसलिए मैं कंसंट्रेट वहाँ कर रही हूँ कि भाई बिल्कुल 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 कहने का लेट ड्यूटी के लिए। दे 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 भाई क्या करना है? सीधा बता। और बर्फ में एकदम ऐसा इतना दूर रुकना कि सामने की गाड़ी के पीछे के टायर दिखे। कम से कम दो गाड़ियों का फासला होना चाहिए आगे वाली गाड़ी के साथ, ये थ्योरी में भी बताते हैं और प्रैक्टिकल में भी। क्या बता रहे हैं?
रही हो, छूट गया हो तेरा लॉयड, दिखा नहीं लॉयड मैम, छूट गया। तो यहाँ से पैदल जाएगी? कोई नहीं, मैं निकल रही हूँ। आप लोग कैसे जाने यहाँ से? आप लोग सीधा निकलो उधर से, राइट उधर से, राइट राइट वाली, राइट वाली में ना। चलो ओके बेटा, बाय बाय, अपना सामान ले, चाबी चाबी तेरी इधर छूट गई ना। बाय कनिका, मैंने यहाँ पे गाड़ी रोकी है हैजर्ड लाइट ऑन की। मैं मजे मजे में एक ब्लॉग बन गया, बेटी को ड्रॉप करना था ऑफिस में, क्योंकि बस आज बहुत लेट सर्विस है। साथ में मुझे कैमरा मैन भी मिल गया, हमारे कैमरा मैन साहब घर में खाना बना रहे थे, आज बन रही एकदम अपनी जो उत्तराखंडी चौसी होती है ना काली दाल की, वो बन रही है। शायद मैडम कहीं जल नहीं हो गया, गैस गैस में छोड़ गया है ना, नहीं जलेगी। पता चला घर जाते जाते एकदम चौसी चपट हो गई। तो मेरे ख्याल में आगे जाम लगा है पूरा। दोस्तों नजारे लेते रहो बस, बर्फ का, बस का बोर्ड भी दिख रहा है, इतनी बर्फ जम गई इसमें। तो थोड़ा हम पार्क में आए थे, बहुत ठंडा है, काफ़ी लोग आ रखे हैं, बर्फ़ सूखने का नाम ले रही है, लगता है कि आज थोड़ा ज़्यादा ही पड़ने वाली है। और अब चौंसी इंतजार कर रही है घर में, चौंसी खाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर काम पे जाएंगे, ड्यूटी है आज। बहुत ठंडा है भाई, स्टीयरिंग भी नहीं पकड़ा जा रहा है, हाथ गर्म कर लेंगे। और हमारी चौंसी तैयार है एकदम फर्स्ट क्लास, सूप की तरह पियेंगे सूप। ये बनती है काली दाल की और इसकी रेसिपी भी मैं डालूंगा जल्दी, रोटी के साथ, राइस के साथ भी खा सकते हैं इसको, खासकर ऐसे मौसम में तो वाह।